हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे OSI मॉडल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्किंग। कोई अगर स्टार्ट भी करता है नेटवर्किंग पढ़ना तो OSI मॉडल के बिना वो पढ़ ही नहीं सकता। बट द चैलेंज इज़ कि कई लोगों को ना ये समझ में नहीं आता। बहुत पढ़ते हैं वो, कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं अपने, और ऑफिसेज में भी उनको अगर नेटवर्किंग का काम करते हैं तब भी वो देखते हैं, बट थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होता है ये समझना कि एक्चुअल में है क्या OSI मॉडल, उसकी जो 7 लेयर्स है उसमें एक्चुअल में होता क्या क्या है। तो उसको हम एक कहानी की तरह से समझेंगे, बिकॉज आई फील कि कहानी हमें ज़्यादातर याद रहती है और समझ में भी आती है। तो बहुत आसानी से देखेंगे उसको विद द हेल्प ऑफ ट्राई एक्मी ऑफ कोर्स। तो पूरा वीडियो देखना, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्टरी नेटवर्किंग, इसमें हम देखेंगे OSI मॉडल, विच इज़ ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। तो एक ही स्टैंडर्डाइज मॉडल है जो कि हम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के पीछे की थ्योरी क्या है, कैसे एक्चुअली वो कैसे कनेक्ट करते हैं, हाउ डू दे कनेक्ट विद ईच अदर, कैसे वो उनके क्या क्या तरीके होते हैं, कौन कौन सी लेयर में क्या क्या होता है, ये हम पूरा देखेंगे। और एक कॉम्पैक्ट मॉडल भी है TCP/IP, बट वो भी इसी पे ही बेस है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी लेयर हैं और समझते हैं। तो इसमें 7 लेयर्स हैं, ठीक है, 7। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो ये इसकी 7 लेयर्स हैं। अब इनको अगर आपको याद करना है ना, तो इसका बहुत आसान तरीका है। वैसे तो इन्होंने जो बता रखा है कि वो है एंग्शियस, पेल, शेक्सपियर, ट्रीटेड नर्वस, ड्रंक्स पेशेंटली, बट मेरा एक और तरीका है। ये टॉप डाउन अप्रोच है, मेरी है बॉटम अप अप्रोच। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, PDNTSP। अगर हिंदी में आप समझो तो पदन टस्पा, मैंने ऐसे याद कर रखा है। पदन यानी कि फिजिकल, पी और डी से हो गया डेटा लिंक, फिर हो गया नेटवर्क, फिर हो गया ट्रांसपोर्ट, सेशन, फिर उसके बाद टस्पा यानी कि प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। तो मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो आपको लगे, जिस भी अकॉर्डिंग आपको याद होता है। तो अब देखते हैं लेयर 7 एप्लीकेशन को सबसे पहले। तो क्योंकि इसका नाम पे जाओ, देखो एप्लीकेशन लेयर क्या कहती है। एप्लीकेशन लेयर के काम ये होते हैं कि वो इंटरफेसेस देती है कि किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। अगर आपको डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसका इंटरफेस देगी, मतलब कि जैसे ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र एक ज़रिया है ना कि आप क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट कर रहे हो, राइट। आपका ब्राउज़र क्लाइंट हो गया, तो वो डेटा को ट्रांसमिट करना, मतलब ब्राउज़र पे आप जब एक वेब URL लिखते हो तो एक ज़रिया है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है द वे टू कनेक्ट विद द सर्वर, ठीक है। तो जब डेटा जाता है एप्लीकेशन लेयर के पास, तो वो प्रेजेंटेशन लेयर पे भेज देता है। तो एप्लीकेशन का कुछ खास ज़्यादा काम नहीं है, वो एक आपको इंटरफेस देता है। मैं समराइज कर रहा हूँ, इंटरफेस देता है कि आप ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को, और फिर प्रेजेंटेशन लेयर को पास कर देता है। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन। तो अब है लेयर 6 प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन क्या करती है, आपका डेटा रिसीव करती है एप्लीकेशन लेयर से। हाँ, तो कोई डेटा ना स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं होता उसका, तो प्रेजेंटेशन लेयर का ये काम होता है कि वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेटिंग कर देता है उस डेटा की। और अगर कोई एनक्रिप्शन है या फिर कोई कंप्रेशन टेक्निक यूज करी हुई है, तो उन सबको हैंडल करना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा, एनक्रिप्शन, कंप्रेशन, सब उसके काम में आता है प्रेजेंटेशन लेयर की, ठीक है। तो अब क्या करता है, फिर ये डेटा भेज देता है सेशन लेयर को, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन पे आया, उसने खाली इंटरफेस दिया, ट्रांसमिट करना है डेटा को, फिर उसने प्रेजेंटेशन को भेजा डेटा के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। अगर एनक्रिप्शन है, कंप्रेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो प्रेजेंटेशन करेगी, फिर भेजती है सेशन लेयर पे। तो जब सेशन लेयर के पास करेक्टली फॉर्मेटेड डेटा आता है प्रेजेंटेशन लेयर से, तो वो क्या करता है कि एक कनेक्शन ढूंढता है जो कि दूसरे कंप्यूटर जो कि सेम नेटवर्क में है, उसके लिए कनेक्शन बनाने के लिए। अगर वो कनेक्ट नहीं कर पाता तो वो एरर भेज देता है और फिर उसका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। बट अगर सेशन इस्टैब्लिश होता है, तो इस लेयर का जॉब होता है कि वो कॉपरेट करे दूसरे सिस्टम से जो कि रिमोट कंप्यूटर है, कम्युनिकेशन को सिंक्रोनाइज करे। तो बेसिकली जो भी सेशन से रिलेटेड टास्क होंगे वो सारे ये करता है सेशन लेयर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक यूनिक बनाता है कम्युनिकेशन को, ठीक है। अगर आप मल्टीपल रिक्वेस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट एंड पॉइंट को भेज रहे हो एक साथ, तो उनको मिक्स नहीं होने देता। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि इसमें दिया हुआ है कि अगर आप एक वेब ब्राउजर पे दो टैब खोलते हो, तो वो दोनों को अलग अलग तरीके से मेंटेन करता है, उनको मिक्स नहीं करता, ठीक है। तो ये सेशन लेयर का काम होता है। तो जब एक कनेक्शन बन गया है होस्ट और रिमोट कंप्यूटर पे, तो वो भेज देता है डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा एप्लीकेशन लेयर
जो कि इंटरफेस को हैंडल करती है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है नेटवर्किंग के लिए, फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा स्टैंडर्डाइजेशन, सेशन लेयर पे सेशन मेंटेन करना, आपका मिक्स नहीं करना डेटा को, कनेक्शन बनाना रिमोट कंप्यूटर से, ये सारे काम होते हैं। अब हम जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा आता है तो ये बहुत सारे काम करता है। ये क्या करता है कि सबसे पहले ये चूज करता है कि प्रोटोकॉल क्या होगा। प्रोटोकॉल बेसिकली रूल होता है कि अगर उसको चूज करना है दो प्रोटोकॉल में से, क्या वो TCP यूज करे विच इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्या वो UDP यूज करे विच इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये दोनों में फर्क क्या है, देखो दो तरीके हैं किसी काम को करने के, दोनों के फायदे हैं दोनों के नुकसान हैं। अगर आपको चाहिए कि डेटा जल्दी से जल्दी जाए तो हम करेंगे UDP को। UDP एक प्रोटोकॉल है जिसमें रिलायबिलिटी नहीं है। रिलायबिलिटी मतलब डेटा सही तरीके से जाए या नहीं जाए वो ये चेक नहीं करता, उसको डेटा भेजने से मतलब है, ठीक है। तो जहां आपको फास्ट चाहिए, जहां आपको स्पीड चाहिए, वहां आप UDP को यूज करोगे। जहां आपको चाहिए कि नहीं, जो डेटा है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड हो और रिलायबल हो, जो सेंडर हो वो भी कनेक्शन, जो रिसीवर हो वो भी ये देखे कि यार क्या मैं डेटा एक्सेप्ट कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, मेरे पास कैपेसिटी है या नहीं है, तो वो सब देखता है आपका TCP, ठीक है। तो इसने देखो ये लिखा हुआ है कि वीडियो ट्रांसमिशन में आप UDP देखते हो क्योंकि आप उसमें कनेक्शन की रिलायबिलिटी इतना मतलब नहीं करता, लेकिन स्पीड ज़्यादा मैटर करती है। और TCP आप ऐसे चूज करते हो जहाँ पे एक्यूरेसी को फेवर करा जाता है, ठीक है। जैसे फाइल ट्रांसफर है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें रिलायबिलिटी चाहिए, वेब पेज है, तो ये TCP यूज करता है, ठीक है। एक और इसकी जो इम्पॉर्टेंट इसका जो टास्क है इस लेयर का, वो होता है कि आपका जो ट्रांसमिशन है, जैसे उसके पास जो डेटा आया उसको ना छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर देता है। अब वो जो छोटे छोटे पीसेज हैं, TCP अगर वो यूज कर रहा है प्रोटोकॉल तो उसको बोलते हैं सेगमेंट्स। अगर वही छोटे छोटे पीसेज UDP के कर रहा है वो, तो उसको बोलते हैं डेटाग्राम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज सेगमेंटेशन, व्हाट इज डेटाग्राम्स, ठीक है, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब इसने छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग ऑन द प्रोटोकॉल विच वी हैव चोज इन द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। उसके बाद आता है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर का क्या काम है, वो क्या करता है, नेटवर्क लेयर देखो नाम पे जाना है हमें, ये देखता है कि डेस्टिनेशन क्या है, मतलब कहाँ डेटा जाना है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर इंटरनेट तो देखो बहुत ह्यूज नेटवर्क है, लेकिन हमें कहाँ रिक्वेस्ट मेक करनी है, कहाँ से हमें डेटा चाहिए, वो डिसाइड करता है नेटवर्क लेयर। तो राउटिंग मतलब कहाँ जाना है, कौन से पाथ पे जाना है, वो करता है नेटवर्क लेयर, ठीक है। कौन सा बेस्ट रूट होगा आपका, तो वो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लॉजिकल एड्रेसिंग करना, मतलब IP एड्रेसेस को हैंडल करना, DNS रिक्वेस्ट, जैसे आपने अगर IP टाइप कर दी वेब ब्राउजर पे, तो वो जो सारा काम होगा ना कि DNS ट्रांसलेशन एंड ऑल, वो सब नेटवर्क लेयर करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर हम IPv4 फॉर्मेट यूज़ करते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग में, ठीक है। जैसे IPv4 में जैसे 192.168.1.1 एक कॉमन एड्रेस है होम राउटर का। तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, आपका लॉजिकल एड्रेसिंग विच इज़ IP एड्रेस ट्रांसलेशन, सारी ये चीज़ें हैंडल करना, ठीक है। और राउट कौन सा होना चाहिए, विच इज़ राउटिंग जो प्रोसेस है, वो करती है नेटवर्क लेयर। अब आती है अगेन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर, विच इज़ डेटा लिंक लेयर। तो लॉजिकल एड्रेसिंग तो नेटवर्क लेयर करती है, फिजिकल एड्रेसिंग डेटा लिंक लेयर करती है। अब आप कहोगे कि फिजिकल एड्रेसिंग क्या है, तो देखो जो NIC होता है, विच इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो ये हर एक नेटवर्किंग सपोर्टेड डिवाइसेस में होता है। मतलब किसी में भी अगर आपका वाईफाई चल रहा है, लैन चल रहा है, तो NIC उसमें होगा ही होगा, वो बिल्ट इन होते हैं, जैसे लैपटॉप है उसमें बिल्ट इन होते हैं, ठीक है। तो NIC का एक एड्रेस होता है विच इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जिसको बोलते हैं MAC एड्रेस, आपने सुना होगा बहुत जगह, अगर नहीं सुना तो बता देता हूँ। वो यूनिक होता है, उसको ना आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन स्पूफ कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें लिखा होता है, देखो दे कैन नॉट बी चेंज ऑल्दो दे कैन बी स्पूफ्ड। MAC एड्रेस स्पूफिंग एक अलग अटैक है, तो वो अभी हम नहीं देखेंगे, बट ऐसे आने वाले टाइम में हम देखेंगे, ठीक है। तो MAC एड्रेस क्या होता है कि भाई आपको जो डेटा जाना है, तो MAC एड्रेस इसको ढूंढता है कि यार इस MAC एड्रेस पे जाना है डेटा। तो ये काम कौन करता है, वो डेटा लिंक लेयर करती है कि भाई जब इंफॉर्मेशन हम नेटवर्क पे भेजते हैं, तो जो फिजिकल एड्रेस है यानी कि MAC एड्रेस है, वही आइडेंटिफाई करता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ जानी है, ठीक है। तो बेसिकली नेटवर्क लेयर पे क्या हो गया कि कौन सा पाथ हो गया, लेकिन पाथ पे भी अगर कहाँ जाना है, तो फिजिकल एड्रेस कौन ढूंढेगा, वो करेगी डेटा लिंक लेयर, ठीक है। मैं इसको समराइज करूंगा एंड में आते आते। अब एक और काम होता है, कौन सा डेटा फॉर्मेट सूटेबल है ट्रांसमिशन के लिए, वो भी डेटा लिंक करती है।
कि मतलब मान लो वो पीसी तक पहुंच तो गया, रिमोट कंप्यूटर तक पहुंच तो गया, बट उसको डेटा कौन से फॉर्मेट में चाहिए, वो फॉर्मेटिंग भी कौन हैंडल करेगा, डेटा लिंक, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है ये डेटा लिंक लेयर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि डेटा लिंक लेयर क्या करती है कि जैसे ही डेटा रिसीव हुआ तो ये देखती है कि करप्ट हुआ या नहीं हुआ डेटा, ऐसा तो नहीं है कि डेटा बीच में करप्ट हो गया हो, तो वो डेटा लिंक लेयर का काम है, ठीक है, कि मान लो जो डेटा रिसीव हो भी गया है अगर रिमोट मशीन पे, तो वो करप्ट हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करना भी इसका काम है। तो डेटा लिंक लेयर के तीन काम है, फिजिकल एड्रेसिंग जो कि मैक एड्रेस को देखता है, चेक करता है कि डेटा कहाँ जाना है, उसके बाद आता है आपका फॉर्मेटिंग कि मतलब डेटा कौन सा सूटेबल फॉर्मेट है ट्रांसमिशन के लिए वो, और तीसरा होता है आपका डेटा टेम्पर हुआ या नहीं हुआ उसका वैलिडेट करना, बेसिकली डेटा वैलिडेशन। तो ये हो गया आपका डेटा लिंक लेयर। अब आती है लास्ट लेयर विच इज फिजिकल लेयर। अब क्या होता है कि कंप्यूटर तो देखो 0-1 की भाषा समझता है ना, तो सिग्नल्स को आपको 0-1 की फॉर्म में चेंज करना वो होता है फिजिकल लेयर का काम, क्योंकि कंप्यूटर जो समझेगा वो 0 और 1 की फॉर्म में समझेगा। डेटा फॉर्मेट हो सकता है, डेटा लिंक लेयर ने काम कर दिया डेटा की फॉर्मेटिंग का, जैसे जेसन हो गया, एक्सएमएल हो गया, अलग अलग का डेटा आ रहा है, बट उसको 0-1 में चेंज करना होता है फिजिकल लेयर का काम, ठीक है, एज वेल एज रिसीव करना इनकमिंग सिग्नल्स और उसको फिर दोबारा बाइनरी में चेंज करना, वो भी इसका काम है। मतलब डेटा को भेजना 0-1 की फॉर्म में या 0-1 की फॉर्म से सिग्नल में, ठीक है, या फिर डेटा को रिसीव करना सिग्नल से 0-1 की फॉर्म में, तो ये दोनों ही काम करती है फिजिकल लेयर। तो इसको अब हम करते हैं समराइज। तो हमारे पास था डेटा एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन लेट से ब्राउजर का, ब्राउजर पर आपने टाइप करी कोई वेबसाइट, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले ढूंढेगा इंटरफेस, जो देगा वो देगा एप्लीकेशन, यानी कि क्रोम ब्राउजर है या कोई भी ब्राउजर है वो एक इंटरफेस है। तो एप्लीकेशन लेयर का सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि वो एक इंटरफेस देता है नेटवर्किंग करने के लिए, शुरू करने के लिए। फिर वो डेटा भेजता है प्रेजेंटेशन लेयर को, प्रेजेंटेशन उसका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेटिंग करता है कि डेटा अलग अलग हो सकता है अलग अलग एप्लीकेशन का, तो उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में करना प्रेजेंटेशन लेयर का काम हो गया। सेशन लेयर का काम होता है कि वो रिमोट कंप्यूटर से एक सेशन मेंटेन रखता है, मिक्स नहीं करना, तो डेटा मिक्सिंग को नहीं करने देना, वो भी सेशन लेयर का काम है कि डेटा मिक्सिंग ना हो, ठीक है। फिर वो डेटा भेज देता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है अलग अलग, वो ये चेक करवाती है कि TCP करना है, ये देखो TCP या फिर UDP, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल होना चाहिए। अगर आप वीडियो में काम कर रहे हो, वीडियो अगर आपको रिकॉर्ड करनी है, YouTube वीडियो है कुछ है उसको प्ले करना है, तो जहाँ स्पीड ज़रूरी वहाँ UDP, जहाँ आपका स्पीड नहीं चाहिए आपको रिलायबिलिटी चाहिए वहाँ TCP, जैसे कि फाइल शेयरिंग हो गया आपका, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का दूसरा काम ये होता है कि वो बाइट साइज पीसेज में डिवाइड कर देता है, सेगमेंटेशन हो गया, डेटाग्राम हो गया अगर UDP है तो, सेगमेंट्स हो गए अगर TCP है तो, वो डेटा भेज देती है नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर का राउटिंग हो गया काम कि कहाँ डेटा जाना है, वो काम हो गया। उसकी लॉजिकल एड्रेसिंग हो गया विच इज़ IP एड्रेस ट्रांसलेशन एंड ऑल, वो सारे काम हो गए। फिर उसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर होता है, वो फिजिकल एड्रेसिंग देखती है, जब हमें रास्ता पता चल गया तो उसके बाद वो करता है कि कहाँ जाना है एक्चुअल में, कौन सी मशीन पर जाना है, तो मैक एड्रेस इसमें आता है विच इज़ फिजिकल एड्रेसिंग हो गई। फिर उसके बाद दूसरा काम होता है आपका डेटा फॉर्मेट का ट्रांसलेशन कि कौन सा सूटेबल फॉर्मेट है ट्रांसमिशन के लिए, वो देखना। फिर उसके बाद देखना कि भाई जो डेटा है वो चेंज हुआ है नहीं, वो आपका डेटा लिंक लेयर करती है। तो जो फिजिकल लेयर का काम होता है उसका सिंपल होता है कि वो जो डेटा आ रहा है उसको बाइनरी डेटा में आपको कन्वर्ट कर देना, सो दैट कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस। Which layer questions below answer using the layer 1 to 7? Okay, numeric form में हमें करना है। Which layer would choose to send data over TCP or UDP? तो protocol कौन decide करता है? Which is layer number? Transport layer है, which is layer number 4? एक बार ही चेक कर लेते हैं इसको। 4, perfect, ठीक है। Which layer checks received packets to make sure that they haven't been corrupted? Corrupt नहीं हुए तो ये कौन चेक करता है? हमारा data link layer, which is layer number 2, अभी हमने देखा था, right? In which layer would data be formatted in preparation for transmission? मतलब data की formatting कौन करता है? वो भी layer number 2 करती है, check करते हैं, correct? Which layer transmits and receives data? Transmit और receive भी करती है, which is layer number 1, एक बार check करते हैं, ये भी करेक्ट है। देखो हमने यहाँ पे देखा था कि ट्रांसमिट और रिसीव यहाँ पे, ठीक है। विच लेयर एनक्रिप्ट्स कंप्रेसेस एंड अदरवाइज ट्रांसफॉर्म्स द इनिशियल डेटा टू गिव इट अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट?
तो ये एनक्रिप्शन हैंडल करना, कंप्रेशन हैंडल करना, ये काम करती है प्रेजेंटेशन, विच इज लेयर नंबर 6। चेक करते हैं इसको, आप देख सकते हैं हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, ये भी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, ये देखो ठीक है। विच लेयर ट्रैक्स कम्युनिकेशन बिटवीन, देखो कम्युनिकेशन को ट्रैक करना कौन करती है, सेशन लेयर, विच इज पदन टस्पा, विच इज लेयर नंबर 5 ठीक है। विच लेयर एक्सेप्ट कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन से कौन है, एप्लीकेशन लेयर, विच इज लेयर नंबर 7 राइट। विच लेयर हैंडल्स लॉजिकल एड्रेसिंग, अब लॉजिकल कौन करता है, देखो फिजिकल कौन करता है, फिजिकल एड्रेसिंग हमने देखा था यहां पे, डेटा लिंक, तो नेटवर्क कौन सी करती थी, विच इज लेयर नंबर 3 नेटवर्क लेयर। When sending data over TCP, what would you call the bite-sized pieces of data? तो TCP की बात कर रहा है, तो segments होता है, correct? Which layer would the FTP protocol communicate with? अब FTP क्या है आपका, कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किससे करेगा, एप्लीकेशन से आई थिंक करेगा, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 7 करेक्ट। Which transport layer protocol would be best suited to transmit a live video? देखो live video है तो हमें reliability इतनी नहीं चाहिए, हमें data transmission की speed ज़्यादा चाहिए, तो जहाँ speed वहाँ UDP, UDP, submit। तो हमने कर लिया ये complete पूरा task 2 OSI model। अगले वीडियो में हम देखेंगे encapsulation, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एनकैप्सुलेशन, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, बाय बाय।